सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले इंद्र देवता का आभार व्यक्त करता हूँ, अजमेर ज़िले को जो है तरबतर कर दिया, खूब अच्छी बरसात हुई। अच्छी बरसात होने से आने वाले 2 साल तक अजमेर ज़िले में किसी गांव और ढाणी में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी, भरपूर पानी है रहेगा और आगे भी बरसात और अच्छी होने की संभावना है। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले इंद्र देवता का आभार व्यक्त करता हूँ, अजमेर ज़िले को जो है तरबतर कर दिया, खूब अच्छी बरसात हुई। अच्छी बरसात होने से आने वाले 2 साल तक अजमेर ज़िले में किसी गांव और ढाणी में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी, भरपूर पानी है रहेगा और आगे भी बरसात और अच्छी होने की संभावना है। ज़िले के करीब करीब सभी तालाबों की चादर चल रही, तो मेरे इसको इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मेरे पशुपालकों के लिए भगवान ने अच्छा तो चारा दे दिया पशुओं के लिए और पीने का पानी दे दिया, वरना ये हमेशा अपने दिक्कत रहती थी। आज आप लोगों को विशेष तौर से इसलिए बुलाया है कि राज्य सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी 10 साल से 2014 से जो मांग थी कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु गोपालक या पशुपालक क्रेडिट कार्ड लोनिंग के लिए शुरू किया जाए इस देश में, राजस्थान सरकार ने शुरू कर दिया है। कल उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था और ये 5 लाख गोपालक या पशुपालकों को 1-1 लाख का ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के और 12 किस्तों में वसूल किया जाएगा। इस 1 लाख के ऋण में से पशुपालक गाय खरीद सकता है, भैंस खरीद सकता है, बकरी खरीद सकता है, गायों के लिए खेड़ी कोटे बाड़े में बना सकता है, बाड़ा बना सकता है, छप्पर टिन सेट बना सकता है, टिन सेट जो है, और चारे के लिए अलग से खेड़ी बना सकता है। तो कोई भी जो है उसकी आवश्यकता है, बाड़े की 4 दीवारी बना सकता है, तो कोई भी आवश्यकता उसे पूरी कर सकता है। इससे 5 फायदे मुझे सहकारी क्षेत्र में होंगे, पशुपालकों को होंगे। पहला कि पशुपालक राजस्थान में यदि 5 लाख में से 4 लाख पशुपालक पशु खरीद के लाते हैं, 5 लीटर के एट ए टाइम का, तो दिन भर में 10 लीटर होगा, तो मतलब 40 लाख लीटर दूध बढ़ जाएगा। 4 लाख लीटर दूध उत्पादक खरीदेंगे तो 40 लाख लीटर दूध बढ़ेगा और आरसीडीएफ का रिकॉर्ड 52 लाख लीटर का बना हुआ, वैसे ही 60 होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध इकट्ठा करेगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब तबका है वो गाय या भैंस खरीदेगा तो उसकी आजीविका का साधन बनेगा। दूसरा, दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को ही लोन मिलेगा तो दूध उत्पादक सहकारी समितियां भी स्ट्रेंथनिंग होगी, मजबूत बनेगी, और लोन देने वाला जो ग्राम सेवा सहकारी समिति से ही मिलेगा तो ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी मजबूत होगी। तो इससे 4-5 तरह के जो एंगल पूरे हो रहे हैं।
दूसरा मुद्दा जो आज आपके सामने रखा राज्य सरकार का, मैं डेयरी मंत्री का, वित्त मंत्री का, राजस्थान सरकार का धन्यवाद देता हूँ। जो पहले अशोक जी के टाइम 2 रुपये मिल रहे थे, दूसरे का तीसरे कार्यकाल में 5 रुपये मिल रहे थे, उसको इस सरकार ने अपने बजट की योजना में जारी तो रखा, परंतु तो 7 महीने से नहीं मिल रहे थे वो पैसे, तो अब जो है उस 7 महीने में से 5 महीने के उन्होंने जो है पिछले 10 दिन में RCDF को वित्तीय स्वीकृति का आदेश दे दिए 200 करोड़ के, और 10 तारीख पहले पहले जो है राजस्थान के पशुपालकों के खाते में बैंकों के माध्यम से सीधे ये 200 करोड़ जाएंगे, उसमें से 20 करोड़ मेरे अजमेर ज़िले के पशुपालकों के खाते में जाएंगे। तो मुझे तो खुशी मेरे अजमेर ज़िले वालों की 20 करोड़ की है, राजस्थान के पशुपालकों की भी है। तो राज्य सरकार का RCDF के MD द्वारा अथक प्रयास किए गए, उन्हीं के प्रयासों से ये 5 लाख किसानों वाला योजना जुड़ी, उन्हीं के प्रयासों से ये जो बकाया 7 महीने का था उसमें से 5 महीने का जो है वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। तो हम RCDF MD का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी हमारी मांगों को समय समय पर पहुँचा है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमने 5 संकल्प हमने लिए हैं, प्रबंधन ने, MD साहब ने, हमने, मैनेजमेंट बोर्ड ने, कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख लीटर का टारगेट संकलन का करना चाह रहे हैं। दूध संकलन हम 5 लाख लीटर प्रतिदिन का करेंगे, दूध के विपणन का 3 लाख प्रतिदिन का करेंगे, और इस साल में अजमेर डेयरी 1 मार्च तक ऋण